हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यानी कि सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। तो महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दिया गया है। राहुल गांधी के इस्तीफे से निराश थी सुमित्रा चौहान और इस्तीफा वापस ले जाने की मांग हालांकि उनकी ओर से की गई थी। फिलहाल सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दिया गया। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रखे हैं। हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। जो अभी तक कारण बताया गया इस्तीफा दिए जाने के पीछे, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस्तीफे की प्रति भी देख सकते हैं जो कि सुमित्रा चौहान की ओर से दिया गया है। जो कारण बताया गया है, जो वजह बताई गई है, वो ये कि राहुल गांधी जो बार बार इस्तीफे की बात पर अड़े हुए हैं और जो इस्तीफा दे चुके हैं उसकी नाराजगी के चलते उनकी ओर से भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो देशभर में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से बार बार इस्तीफा दिए जाने की बात कही गई। इस्तीफा दिया भी गया, अपने जिद पर अड़े रखे। फिलहाल महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। वजह यही, राहुल गांधी का इस्तीफा दिया जाना, इसकी नाराजगी के चलते, निराश होने के चलते उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। अनिल मोर है हमारे संवाददाता, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? तो हरियाणा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। शुरुआती जानकारी एक है, जो कारण उनकी ओर से बताया गया है, बकायदा कि राहुल गांधी की ओर से जो इस्तीफा दिया गया उससे वो निराश हैं और इसी के चलते उनकी ओर से ये कदम उठाया गया है। तो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस बात पर अड़े हुए रहे और बार बार ये मांग की गई राहुल गांधी से बार बार कि आप इस्तीफा ना दें, लेकिन राहुल हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अभी सुमित्रा चौहान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। साफ तौर पर जो कारण बताया गया, राहुल गांधी का इस्तीफा दिया जाना है।